गुंडागर्दी तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी संयुक्त किसान मोर्चा किसान एकता करता है संयुक्त किसान मोर्चा खट्टर मर गया मोदी मर गया खट्टर मर गया किसान विरोधी सरकार ये किसान कहाँ जाएंगे किसानों पर हमला करने वाली सरकार मुर्दाबाद तानाशाही नहीं चलेगी वायदा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद मोदी खट्टर मुर्दाबाद किसानों पर हमला नहीं चलेगा हमला करने लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद हमलावर सरकार मुर्दाबाद मोदी खट्टर मुर्दाबाद लेकिन अब हरियाणा में भी धीरे धीरे किसान है वो आप किसान यूनियन के नेता भी हैं क्या कहना चाहोगे जो यही कहना चाहेंगे देश के गारंटी है किसानों की बदहाली की गारंटी है उनकी की गारंटी है झूठ की गारंटी है बदमाश की गारंटी है लेकिन देश के किसान की मुसाद की गारंटी नहीं है स्वामी नाथन आयोग का जो वादा किया था उसकी गारंटी नहीं है देश की एमएसपी की जो गारंटी दी थी उसकी गारंटी नहीं है उसने मोदी सरकार की झूठी गारंटी को आज हमने यहाँ पुतला फूकने का काम किया प्रार्थना करूंगा देश के किसान की आवाज को सुन लीजिए देश का किसान वापस चला जाएगा यदि देश के किसान को गाली देने का काम किया देश का किसान दिल्ली जाएगा और कानून को बनाने का काम करेगा आने वाले टाइम में सरकार ही ऐसी आएगी तो जैसा किसान जाएगा वैसा काम करेगा क्या पंजाब से पहले जो हरियाणा का किसान है वो दिल्ली पहुंच जाएगा देखिए पंजाब के किसान की आगे लगाई जा रहे हैं पंजाब की उसकी पाकिस्तान की सीमा बनाने का काम मोदी सरकार ने यार भूख भी दिया देश के किसान को गाली देने का काम दिल्ली जाने का काम करेंगे उसको आग के हवाले कर दिया गया है फिर एक बार दोबारा News 24 ये हमने संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद अरे यार सारा नाश कर संयुक्त किसान मोर्चा मुख्यमंत्री मर गया खट्टर मर गया मोदी मर गया भाजपा सरकार तानाशाही सरकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसानों की आवाज़
अरे मुंह खोल कर वाला ना मुंह खोल कर कुछ को कर दो जो पीछे ने सुन जा अरे मुंह खोल कर अरे पुलिस के पेपर पापुर दापट मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस के किसान नंबर की पेपर पापुर दापट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी खट्टर मुर्दाबाद 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 मोदी खट्टर मुर्दाबाद 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 किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। सुभाष जी आज क्या मामला किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? मामला लगातार 3 साल से जो किसानों की मांगे हैं वो जो कि तो वैसे ही सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखी है और उसी को लेकर हमारे जो पंजाब के किसान भाई जिन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली जाने के लिए अपनी मांगे MSP और अन्य मांगों को लेकर जो दिल्ली आंदोलन जाने की घोषणा की थी उन पर शंभू बॉर्डर पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण उन पर लाठियाँ उन पर गोलियाँ बरसाई गई। ऐसे में हर किसान पूरा किसान दुखी है और आज जो हमारे शुद्ध किसान मोर्चा के नेताओं ने फैसला लिया कि इस अड़ियल देश का जो प्रधानमंत्री है हरियाणा का एक बड़ा हम तो बदतमीजी कहेंगे जो किसानों के प्रति किसानों के खिलाफ है उसने जो हमारे किसानों को अम्बाड़ा में आने नहीं दिया दिल्ली जाने नहीं दिया तो उनके विरोध में आज आमियान के पुतले जलाए जाएंगे। पूरे किसानों में रोष है और कल शुद्ध किसान मोर्चा के आह्वान पर 4 घंटे रोड जाम रहेंगे। सर अगर इसके बावजूद भी आपकी बात को नहीं माना जाता फिर क्या होगा? शुद्ध किसान मोर्चा जो फैसला करेगा उसके अनुसार सारे किसान पूरे देश के किसान दिल्ली सड़कों पर होंगे। दिल्ली किसी के अपनी घर की सड़कों दिल्ली है किसान दिल्ली जा सकता है अपने मांग के लिए और किसान कहीं भी अपना रोज दुखड़ा रो सकता है किसान को कोई रोक नहीं सकता। और आज पूरे हमारे जिला यमुनानगर में किसानों में रोष है उसके प्रति आज हम यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे पुतला जलाएंगे और आगे जो भी हमारा शुद्ध किसान मोर्चा फैसला लेगा कल उसी के लिए उसी नियमानुसार काम होगा। किसको ज्ञापन दिया जाएगा? ज्ञापन नहीं देंगे ज्ञापन बहुत दे लिए आज तो सीधा अल्टीमेटम देंगे। सरकार कई बार कह चुकी है कि बैठ के पूरा देश का किसान जो कि हमने फैसला किया है जिला मुख्यालय पर मोदी सरकार का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि देश के किसान को गाली देने का काम मोदी सरकार के मंत्री द्वारा किया जा रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूँ गलतफहमी मत रहिए देश का पंजाब का किसान हरियाणा का नहीं है पूरे देश का किसान एक है किसान की कोई जाति नहीं होती। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो कहा है कि गारंटी की से बात करने की काम गारंटी दे रहे हैं मोदी सरकार ने केवल मतलब किसानों को लाठी देने की गारंटी की सड़कों पर लाने की गारंटी दी बदमाशी की गारंटी दी गुंडागर्दी की गारंटी दी लेकिन आज देश का किसान परेशान है जो पंजाब हरियाणा की सीमा को है मोदी सरकार ने उसको पाकिस्तान की सीमा बनाने का काम किया और उसके बावजूद देश के किसान के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे वो देश का किसान न होकर पाकिस्तान या चाइना से या दूसरे देशों से आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है इसी स्वरूप आज हम मोदी सरकार का खट्टर सरकार का पुतला फूंकने जा रहे हैं ताकि देश के किसान की आवाज़ पूरे देश में फैल जाए। साहब सिंह जैसे वार्ता चल रही है किसानों की और मंत्रियों की अगर वो सफल नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा आपका? देखिए वो तो पहले से फैसला हो चुका है और संयुक्त मोर्चा की मीटिंग आज हो रही है। उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चा ने कि जो भी देश के किसान की आवाज को उठाकर जा रहा है देश का किसान है चाहे कोई भी देश के किसान की आवाज उठाए और रही बात हमारा अगला कदम और आज वार्ता तो पिछले 2 साल से चल रही है मीटिंग चल रही है कमेटियां गठित हो चुकी है लेकिन रिजल्ट 1-0 मात्र है। इस देश के अंदर दंगे हो सकते हैं इस देश के अंदर गुंडागर्दी हो सकती है बदमाशी हो सकती है सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो सकती है लेकिन देश के किसान का हल नहीं हो सकता। और ये तो वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं कल अनिल विज की एक स्टेटमेंट सुन रहा था तो बोल रहे थे कि भाई ये तो विपक्ष ने लेके आना चाहिए था लेकिन अनिल विज मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो आपने स्वामीनाथन आयोग के लिए तो कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया था आप तो केवल मात्र आपके शरीर पर एक कच्छा बचा हुआ था उसके बावजूद शर्म आनी चाहिए आपको और देश के किसान को साथ में आपने गाली देने का काम किया आतंकवादी बोलने का काम किया इतनी तो बेशर्मी मत छोड़िए इतनी तो शर्म रखिए कि आपके शरीर पर कच्छा बचा रहे देश के किसान की परीक्षा मत ले और इसके सब्र का बांध टूट।